जो लोग जो है मुझे बोले थे कि मौलाना मेरे लिए दुआ कीजिए, इंशाल्लाह आप भी दुआ करते रहिए, मैं खैरियत से पहुंच जाऊँ और वहाँ जो दुआ करूँ अल्लाह ताला कबूल करे, आप भी दुआ कीजिए। आप खाली कह दें तुम चार बैठ जाएंगे ऐसे नहीं, आप भी दुआ करते रहिए क्योंकि मौलाना से काम है दुआ करने के लिए। अच्छा जो आदमी बेचारा कह नहीं पाए, फोन उन तो वहां बहुत मुश्किल है, फोन करना है करना, तो बेचारा रहे तो घर में आकर के वो बोल देते। मैं घर में बोल दिया था कि जो लोग खबर भेजा है तुमको घर में आकर बोलना कि अबू का जब फोन आएगा तो अबू से जरा दुआ के लिए बोल देना। अगर कौन कौन बोले हैं बोलो ना, ये आदमी से बोले हैं वहां दुआ होगी। देखे क्या सहूलत है शरीयत, मगर बोलना जरूरी है। नहीं बोलो कैसे होगी दुआ? तुम्हें वहां क्या करता था, मैं बोलता था अल्लाह जिन्होंने मुझसे कहा है दुआ के लिए और जिन्होंने कहलवाए हैं घर के जरिए से, तो ये कब होगा? जब बोले नहीं हमने ना कहता तब आप चुपचाप बैठा थे, मैं तो मौलाना से बोलता था नहीं, अरे बोलता नहीं तो क्या हो गया, कभी भी बोल दे अभी भी बोल दे। ये चीज आप जानते नहीं थे, माने आप सोचते थे वो आदमी से चला गया हजर, मैं तो बोल सका नहीं, अरे नहीं बोल सका नहीं बोल सका, अभी बोलवा दे कम से कम, बातचीत जो हो रही है या तुमको अगर फोन नंबर मिल गया उसको फोन से बोल दो, या नहीं तो अगर नहीं कर सकते घर में जाकर बोल दो तो भाई तुम्हारा फोन तो आएगा, जरा बोल देना हमारे लिए भी बुला, बस यही काफी है। क्या कनेक्शन का ताल्लुक है, अल्लाह ने कितना आसान कर दिया तो सब जानते हैं बेचारे, अल्लाह ताला हम सबको उसकी तौफीक दे।